हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं पुष्पेंद्र सिंह रावत, कराटे एंड मार्शल आर्ट्स कोच, आज की वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूं कि अपने पैरों को स्ट्रांग कैसे करें। लेग्स का जो वर्कआउट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है सभी स्पोर्ट्स में, चाहे फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, कबड्डी खेलें, वॉलीबॉल खेलें, आप कुछ भी खेलते हैं एक्सपर्ट, कोई भी स्पोर्ट्स होता है या कोई भी मार्शल आर्ट होता है, टाइक्वांडो है, कराटे है, बॉक्सिंग, फुटवर्क मायने रखता है। और फुटवर्क जब भी अच्छा होगा, जब आपके लेग्स जो है वो स्ट्रांग होंगे, ओके। तो यहाँ पर मैं सिंपल तीन बहुत ही आसान एक्सरसाइज आपको बताने जा रहा हूँ, जो अगर आप रेगुलर करते हो तो आपके जो थाइस मसल्स हैं, लेग मसल्स हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और आप अच्छा परफॉर्म भी कर पाओगे, क्योंकि बॉडी की शेप अच्छी जब मानी जाती है जब वो अच्छे अंदर से स्ट्रांग हो और प्रॉपर एक शेप में हो अपना। तो मैं आपको जो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, इसके लिए आपको ना जिम जाने की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, और ना ही आपको अलग से कोई सामान की ज़रूरत है। तो ये वीडियो आप पूरी एंड तक देखिए मेरे साथ, और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, ठीक है। तो आप जैसे रनिंग या एक्सरसाइज कुछ भी करते हैं, उसके बाद आपको करना क्या है, स्क्वाट क्या करते हैं लोग ज़्यादातर ऐसे करके करते हैं या ऐसे करके करते हैं, इस टाइप से करते हैं, ठीक है। पर मैं आपको बताता हूँ, जो रेस्लर होते हैं हमारे यहाँ के, पहलवान होते हैं, वो देसी बैठक में आते हैं, वो इस टाइप से लगाते हैं ऐसे करके, ठीक है। साइड से दिखा देता हूँ ये पूरा, तो इससे क्या है, उनके घुटने और ये थाइस और ये पूरे लेग्स अपना बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है, कोई 100 लगाता है, कोई 200 लगाता है, कोई 500 लगाता है, कोई 1000 लगाता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग वो बढ़ा सकते हैं, ओके। तो मैं आपको बता देता हूँ तीन तरीके से कैसे कैसे लगाना है। पहला तो सिंपल यही है कि आप इधर लेग्स खोल लो, नीचे बैठो और उठ जाओ, ऐसे नीचे बैठो और उठ जाओ, ये ठीक है। साइड से दिखा देता हूँ, ये तो ये हो गया। एक हो गया कि आपको बॉडी का वेट थोड़ा सा आगे रखना है, और जंप लेके आपको बैटरी लगा के फिर वापस अपनी जगह आना है। किस तरीके से? इस तरीके से, ये साइड से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप खड़े होंगे, थोड़ा बॉडी वेट आगे रखेंगे, बॉडी वेट आगे रखने के बाद ये इस टाइप से, ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज है। तीसरी एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, आपको तीन बार स्ट्रॉक जंप करना है, फिर जंप लेके खड़े होना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 साइड से दिखा देता हूँ एक बार। 1 2 3 4 1 2 3 4 ये तीन सिंपल बैठक है। अगर आप ये रेगुलर करते हैं तो आपके पैर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, ओके। इसके अलावा एक सिंपल और तरीका भी है, दंड के साथ बैठक करना, अगर आप कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अपना ट्राई कर सकते हैं। मैं करके दिखा देता हूँ, इतना है तो वो खोलो, पैर इतने खोलने, डाउन, फिर उठ के ये बैठ, ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा। इसका अभ्यास जब भी करें, जब आप कोई दिन करते करते प्रैक्टिस आपको टाइम हो जाए, ओके। तो ये कुछ टिप्स थी अपनी लेग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सिंपल एक्सरसाइज थी और बहुत ज्यादा इफेक्टिव थी। आप इसको डेली रूटीन में शामिल कीजिए और कुछ ही दिनों में रिजल्ट देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है, बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए आप लोग एक्सरसाइज करते रहिए, एक्टिव रहिए, फिट रहिए, स्ट्रांग रहिए।